दोस्तों, अगर आपकी लाइफ एक बोरियत से भरे ढल्ले पर चल रही है और आप कुछ नया करना चाहते हो तो यह बुक आपके लिए है। इसे पढ़कर आप जानेंगे कैसे आप भी नई स्किल सीख सकते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। इस समरी को सुनकर आपको ज्ञान जरूर बढ़ेगा। पॉइंट वन, टेक फर्स्ट स्टेप। लोग कभी अपनी ज़िंदगी बदल ही नहीं पाते क्योंकि वे फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेते। वे सपने तो देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पहला कदम ही नहीं उठा पाते। अधिकतर लोगों को लगता है कि उनमें लाइफ को चेंज करने के लिए ज़रूरी स्किल्स नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल नहीं भी है तो भी आप उसे सीखना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए पहला कदम उठाएं। मान लीजिए आप ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको ब्लॉगिंग कुछ भी नहीं पता, तो आप पहला कदम उठाएं, ब्लॉगिंग के बारे में सीख जाएंगे। आपको इंटरनेट पर बहुत से रिसोर्सेज मिल जाएंगे, उनकी मदद से आप फ्री में ब्लॉगिंग यूट्यूब कोर्स सीख सकते हैं। इस तरह आप अपनी मनपसंद कोई भी स्किल सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। पॉइंट टू, रिफ्यूज़ टू लूज। कभी भी हार ना माने। अगर आप शुरू में ही खुद से बोल देंगे कि मैं हार नहीं मानूंगा तो आपको ब्रेन इसके लिए प्रेरित हो जाएगा और आपको जीत की तरफ ले जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको गोल्स या प्रोजेक्ट के छोटे भागों में बांट लेना चाहिए और प्रतिदिन कुछ एक्शन लेना चाहिए। अगर मुश्किलें आती भी हैं तो आपको उन्हें धीरे धीरे सुलझाना चाहिए। इसमें टाइम लग सकता है, इसलिए हड़बड़ी न करें बल्कि ठंडे दिमाग से डेली थोड़ा ही सही कुछ काम जरूर करें जो आपको आगे की दिशा में ही बढ़ा। थिंक डिफरेंटली अबाउट प्रॉब्लम्स। कुछ लोग यह सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और दूसरे मजे में हैं। सोचकर ऐसे लोग कुछ भी नया करने की नहीं सोचते, वे पहले ही हार मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए आपको हमेशा ऑप्टिमिज्म अपनाना चाहिए। कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, आपको कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेना चाहिए। आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम जरूर होती हैं लेकिन उनके साथ साथ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन हम ऐसे मेंटेलिटी बना लेते हैं कि प्रॉब्लम्स को ही देखते हैं। इससे हमारा दिमाग और बॉडी नेगेटिव तरीके से प्रभावित होती है और आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए आज से ये बोलना बंद करें कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। जितना आपके हाथ में है उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। धीरे धीरे ऑप्टिमिस्ट एटीट्यूड से आप सब कुछ ठीक कर लोगे, इसलिए आशावादी बने रहें। ओ, डोंट ट्राई फॉर सिक्योर थिंग्स। जिंदगी में जब हम सब सोचते हैं कि सरकारी जॉब लग जाए तो हम खुश हो जाएंगे। हम सब में एक सिक्योरिटी पाने की भावना रहती है, लेकिन सरकारी नौकरी किसी खुशी की गारंटी नहीं है। आप 9 से 5 वाली जॉब रूटीन में फंस कर रह जाओगे और लाइफ बोरियत से भर जाएगी। इसलिए सिक्योरिटी या सर्टेनली चाहना बंद करें। लाइफ में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसके लिए खुद को अडेप्ट करें। रिस्क वाली चीज़ें करने से ना घबराएं क्योंकि ऐसी चीज़ें ही आपकी ज़िंदगी बदलेंगी। लेकिन हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, ना कि अंधे होकर किसी काम में कूद पड़े। जैसे कंपनी शुरू करने से पहले कोई छोटा बिजनेस लगाकर देखें, इससे आपको उसके सारे गुण पता चल जाएंगे और आगे चलकर स्टार्टअप या कंपनी संभालने में भी आपको बहुत आसानी रहेगी। पॉइंट फाइव, बियर थॉट्स आर ओके। हमारे अंदर लाखों तरह के विचार आते रहते हैं। बहुत बार हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ नहीं पाती। हमें सिखाया जाता है कि बुरे विचारों को दिमाग में मत आने दो। इस चक्कर में हम अपने क्रिएटिव विचारों को भी आने से रोक देते हैं। इसलिए अपने थॉट्स को रोकिए मत, बल्कि उन्हें आने दीजिए और फिर रियलाइज कीजिए, सोचिए कि जो नए थॉट्स आए हैं क्या वे दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। क्योंकि कई बार हम अपने थॉट्स से डर जाते हैं और दिमाग से हटा देते हैं, बल्कि ऐसे थॉट्स में ही क्रिएटिविटी के बीज होते हैं। इसलिए अपने वियर्ड थॉट्स को समझने की कोशिश करें, हो सकता है उनसे आपको एक नया ही आइडिया मिल जाए जो आपके समाज से अभी मौजूद ही नहीं हो। पॉइंट सिक्स, रिप्लेस ज्वेलसी विद चेंज। मनुष्य स्वभाव से इमोशनल प्राणी है। हमारी इच्छा और एक्शन इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं। पॉजिटिव इमोशंस हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, जबकि नेगेटिव इमोशंस हमारी प्रोडक्टिविटी कम कर सकते हैं। कई बार अगर कोई हमारे आइडिया को कोई क्रिटिसाइज़ कर देता है तो हम बुरा मान जाते हैं, हमें गुस्सा आने लगता है। लेकिन राइटर कहते हैं कि ऐसा ना करके हमें यह ध्यान देना चाहिए कि सामने वाले ने हमें क्रिटिसाइज़ क्यों किया। अगर सच में हमारे आइडिया में कोई कमी है तो हमें उसमें सुधार करना चाहिए, इससे आपको आइडिया और भी अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही जब हम किसी को सफल होते देखते हैं तो ईर्ष्या से भर जाते हैं, हमें लगता है कि दूसरा हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गया। लेकिन उनकी सक्सेस के बारे में नेगेटिव सोचने की बजाय हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमें यह एनालाइज करना चाहिए कि दूसरे ने सक्सेस कैसे हासिल की। हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और यह भी सोचना चाहिए कि दूसरे को ईश्वर ने सक्सेस दी है, इसी तरह वह एक दिन हमें भी देगा। पॉइंट सेवन, रिमेंबर अर्लियर सक्सेसेस। हमेशा अपनी पिछली सफलता को याद रखें और यह भी याद करें कि उसे पाने में आपको कैसे मुश्किलें आई थी, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहने से आपने सफलता हासिल की थी। पिछली सफलता से मिले इन सबकों को आप अगले गोल को हासिल करने के लिए भी लगाएं। हमारे स्ट्रगल में सबसे बड़े ऑब्स्टेकल्स हमारे खुद पे सेल्फ डाउट्स और कन्फ्यूज़न होते हैं, लेकिन इन पर काबू पाना सीखें। आप हमेशा एक जिद पकड़ लें कि इस गोल्स को हर हाल में पूरा करना है। आप उस गोल को इन दिमाग में रखें और उस एंड की तरफ बढ़ते जाएं। इस जर्नी में फिर चाहे आपको रास्ते या प्लान भी चेंज करने पड़ें, लेकिन जैसे भी हो एंड तक पहुंच कर दिखाएं। कभी आपकी गति तेज होगी, कभी मंद, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहें, खुद ही खुद को पढ़ा देते रहें। अगर थोड़ा सा पार्ट भी हासिल कर लिया तो उसी से प्रेरित होकर अगले भाग पर ध्यान केंद्रित करें, अपने गोल्स की तरफ बढ़ें। पॉइंट एट, जर्नी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन गोल। राइटर कहते हैं कि लाइफ कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होती। हमें नहीं पता होता कि कल क्या होने वाला है, इसी तरह हमें यह भी नहीं पता कि जो गोल्स हमने बनाए हैं उनमें से कितने पूरे होंगे और कितने में हम फेल हो जाएंगे। लेकिन हमें हर सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए और फेलियर को भी एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। जब हम किसी गोल्स में फेल हो जाते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन दुख और निराशा का होता है। हम गुस्सा भी करने लगते हैं। कुछ भी लोग होते हैं जो फेल होने पर मुस्कुरा सकते हैं। हम सभी को एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचना चाहिए।
हमें समझना होगा कि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक कभी नहीं होगा, इसलिए अगर हमें कोई गोल्स में फेल हो जाते हैं तो हमें उस दूसरे गोल्स पर फोकस कर लेना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि फेलियर पर रोने धोने से क्या हालत अच्छे हो जाएंगे, कभी भी नहीं। टाइम आगे बढ़ता रहेगा, कभी भी नहीं। टाइम के साथ हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए, वह हमारा रोना देखने के लिए नहीं रुकेगा। बस हमें टाइम के साथ आगे बढ़ते रहना सीखना चाहिए। दिल में दुख और निराशा भर लेने से हम स्ट्रेस और डिप्रेशन में डूब जाते हैं, इससे ज़िंदगी खुशियां भी दूर हो जाती हैं। इसलिए हमेशा नए गोल्स बनाकर उन पर काम करते रहना चाहिए। 9. डोंट ब्लेम अदर्स, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना सीखें। ज़्यादातर लोग फेलियर का ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं और ऐसा दो कारणों से होता है। 1, हम खुद को परफेक्ट मान बैठते हैं जबकि ऐसा नहीं है। गलती किसी से भी हो और किसी भी एज में हो सकती है। 2, हम सोचते हैं गलती मानने से और उसकी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने से हम छोटे हो जाएंगे। दो कारणों की वजह से लोग गलती करने से बचना चाहते हैं और गलती से बचने के लिए वे कोई नया काम करने का रिस्क ही नहीं लेना चाहते, इसलिए उनकी लाइफ में कभी ग्रोथ ही नहीं होती। इसलिए अपनी सोच बदलें, गलती करने से ना घबराएं ना ही उसकी जिम्मेदारी लेने से, बल्कि आप गलती से सबक लेकर फिर से कोशिश करें। जितने काम आप करते जाएंगे उससे आपका तजुर्बा बढ़ता ही जाएगा और गलतियाँ सबसे अच्छी टीचर होती हैं। दूसरे की बात से आप उतना ही सीखते हैं जितना गलती करने से सीखते हैं। 10th, द टू स्टेप्स टू फ्रीडम, किताब के अंत में राइटर ने दो तरीके बताए हैं जिसे आप असली फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, फिर चाहे वो पैसा हो या टाइम की। सबसे पहले जो काम आप कर रहे हैं उसे छोड़ दें। अगर वह काम आप सिर्फ मजबूरी में कर रहे हैं, उसके लिए आप खुशी नहीं मिल रही है, तो उसे करने का क्या फ़ायदा। अगर आपका गोल बड़ा है तो आप खुद को छोटे कामों में क्यों उलझा रहे हो। इससे अपने आप बड़ा गोल्स कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटे छोटे काम ही आपकी सारी एनर्जी खत्म कर देंगे। 2, ऐसे काम करना शुरू करें जो आपको अपने बड़े गोल्स की तरफ ले जाएंगे। अगर स्टार्टअप शुरू करना है तो उसके लिए पहला स्टेप तो लें। अगर बैंक से लोन लेना है तो उसके लिए मिलना तो शुरू करें, प्रोसेस तो पता करें। बहुत बार हम सिर्फ बेड पर लेटे लेटे सपने देखते हैं, कुछ एक्शन नहीं लेते, इसलिए ज़्यादा सोचना बंद करें, तुरंत एक्शन लें। तो दोस्तों, उम्मीद है ये समरी सुनकर आपने लाइफ को अपने मुताबिक बदल पाएंगे और ज़िंदगी में मनचाहे सफलता पा सकोगे। थैंक यू।